केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जिन राज्यों में हिंदू कम है वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है। इस पर उत्तरी पश्चिमी जिले से विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री गिरिराज वर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की बात का वह पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। पहली बार हिंदुओं के बारे में सोचते हुए हिंदुओं के हित की बात कही गई है। यह बिल्कुल सही है कि जिस राज्य में कोई अन्य समुदाय की संख्या कम हो तो उसे अल्पसंख्यक के दायरे में रखा जाता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जिस राज्य में हिंदू की संख्या कम है और उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन अब इस बात पर भी विचार किया गया है तो वह सराहनीय है। और बिल्कुल हर राज्य में इस तरीके के नियम बनने चाहिए, जहां पर हिंदू की संख्या कम है वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे उन्हें अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार मिल सके और उनका भी फायदा हो सके। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोवर्धननाथ चतुर्वेदी है। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया हिंदू के लिए, क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उसने जो असली चीज़ है उसको सामने लाए हैं, और जिन लोगों ने इस पर पटिशन डाली है उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। देखिए, जहाँ दूसरे लोग 90% हैं, 95% हैं, जहाँ हम देश के हिस्से में 2% भी नहीं है, वहाँ भी हमें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया। उनकी जो सुविधा है वही लोग ले रहे हैं। एक वर्ग विशेष के ऊपर में इन लोगों ने अल्पसंख्यक का ठप्पा लगा दिया है, और वो चाहे वहाँ 90% है, 60% है, वही लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज तक हमने ये देखा कि कश्मीर में हम लोग अल्पसंख्यक, और कई प्रदेशों में हम अल्पसंख्यक, 9 प्रदेशों में हम अल्पसंख्यक हैं हिंदू, लेकिन हिंदुओं को वहाँ भी बहुत संख्यक मान करके उनको जो सुविधाएँ अल्पसंख्यकों को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। ये एक तरह का जो कई सालों से चल रहा था षड्यंत्र, ये माननीय कोर्ट का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो सच्चाई है वो कुछ दिन बाद, शुरू में नहीं लेकिन बाद में एक दिन तो बाहर निकल के आती है। अल्पसंख्यक जहाँ 2% हों, 4% हों, उनको अल्पसंख्यक मानेंगे। जहाँ वो हमारे ऊपर 33% हो गए हैं, अभी भी वो पूरे देश में अल्पसंख्यक ही हैं। तो ऐसे जो कानून है, ऐसे कानून को ठीक करना चाहिए, और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने कि अब हमारी ये बात को मानी है कि हम कहाँ कहाँ अल्पसंख्यक हैं, वहाँ हम हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। जी सर, क्या नाम है? गिरिराज वर्मा। गिरिराज जी, जो कोर्ट के आदेश आए हिंदू तत्व के लिए जो उनका दिया जाए दर्जा, कोर्ट के आदेश है, आप उसमें कितने सहमत हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो बिल्कुल उचित है, और पूरा देश, पूरा भारतवर्ष संविधान के अंतर्गत चलता है, और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो संविधान के अंतर्गत ही दिया है। जहाँ हिंदुत्व की संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए, और अल्पसंख्यक है इस पूरे भारतवर्ष में, हमारी 100 करोड़ की गिनती आती है, लेकिन अगर माना जाए तो 100 करोड़ की गिनतियों का विभाजन अगर आप कर दें जातियों और पंथों के नाम पर, तो वो 100 करोड़ का जो विभाजन है वो बिल्कुल उस अल्पसंख्यक में आ जाएगा जो 30 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। कोई ब्राह्मण में बटा हुआ है, कोई कुमार में बटा हुआ है, कोई बौद्ध में बटा हुआ है, कोई भीम में बटा हुआ है। ऐसे ऐसे विवरण पर अगर हम चर्चा करें और इसको विभिन्नता रूप से देखें तो हम अपने ही भारतवर्ष में अल्पसंख्यक हैं, और गवर्नमेंट हमें मानने को तैयार नहीं। हम अपने भारतवर्ष में ही अपने आप को भारतीय होने का दर्जा दिखाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि हम भारतीय हैं, और हमें भारतीय होने का एक पुरस्कार नहीं चाहिए। हम भारतीय हैं तो हम भारतीय हैं, हम क्यों गए हम भारत में रह करके हम भारतीय हैं। जिनको इस चीज़ से आपत्ति है वो अपनी आपत्ति जता सकते हैं, हमें उन पर कोई दिक्कत नहीं। हम सभी धर्मों का, सभी भारतवर्ष के नागरिकों का एक समान सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था मात्र जो है वो संविधान के अंतर्गत चलेगी, और जो संविधान के अंतर्गत नहीं चलेगा, जो संविधान के साथ नहीं चलेगा, वो कानून की व्यवस्था में कानून का रह करके, भारत का रह करके, भारतवर्ष में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।